महान क्रिकेटर का समय आता है कि अपनी जगह वो छोड़ें, तब नए बच्चों को आने में बहुत समय लगता है, उनको अपना स्थान प्राप्त करने में समय लगता है। जब महेंद्र सिंह धोनी भी जब आए थे भारतीय टीम में, उनको भी बहुत समय लगा था सेटल होने में। तो मुझे लगता है कि हमारी जो युवा पीढ़ी जो भर कर आ रही है, उनमें भी क्षमता है। अनुभव तो अचानक नहीं मिलने वाला, अनुभव के लिए आपको समय गुजारना होगा, एक तो मैदान पर मैचेस खेलकर, और आपको अनुभव तभी मिलेगा जब आपके जो टीम मेंबर्स हैं, जो कैप्टन हैं, जो कोच हैं, जो चयन करता है, वो सब आपको सपोर्ट करें। मुझे लगता है कि हर टीम में कई सारे ट्रांजिशन फेज आते हैं, यहाँ पर बड़े बड़े खिलाड़ी निकल जाते हैं, सचिन तेंदुलकर भी निकल गए, उनकी जगह किसी ने ले ली, और यही तो मजा है गेम का, और यही तो मुझे लगता है कि बहुत कुछ सिखाता है जीवन के बारे में भी। और मेरे विचार में हमारे पास कई सारे टैलेंटेड खिलाड़ी हैं। लेकिन टेस्ट और वनडे में कहीं ना कहीं हमारी टीम पिछड़ रही है, जो हमारा रिकॉर्ड विदेश में खराब है, इसके आप क्या साइड इफेक्ट है ट्वेंटी? नहीं, अब तो मुझे लगता नहीं कि रिकॉर्ड खराब रहा है। आपको याद होगा कि पिछले बार जो हम लोग ऑस्ट्रेलिया गए थे, वहाँ पर उन्होंने काफी जमाने के बाद मैच जीता, टेस्ट सीरीज जीती। ये मेरे विचार से एक बड़ा ही एक तरह से एबरेशन जिसको कहते हैं वो हुआ है न्यूजीलैंड में। इसको किसी को भी उम्मीद नहीं थी, क्योंकि हमारी तैयारी काफी अच्छी रही है। पिछले 1.5 साल में हम लोगों ने एक टेस्ट मैच भी नहीं हम लोग हारे, तो ये थोड़ा मुझे लगता है कि बहुत बड़ा वेकअप कॉल रहा है भारतीय टीम के लिए। पर मैं इस बात से सहमत हूँ कि हमारी टीम हमेशा निरंतर प्रयास कर रही है, निरंतर प्रोग्रेस कर रही है, और जो भी हम लोगों को तैयारी करनी चाहिए उसका सभी प्रकार की तैयारी उनको की जाती है। न्यूजीलैंड की टीम भी स्ट्रॉन्ग टीम है, उनको अपने कंडीशन में खेलना पता है। हमारी टीम भी काफी दिन पहले गई थी तैयारी करने के लिए। मुझे लगता है कि मेन फैक्टर ये होता है कि आपके जो एक दो जो मेन प्लेयर्स हैं बल्लेबाज में वो रन नहीं बनाते हैं, तो फिर मुश्किल हो जाता है रिकवर करना, जो कि भारतीय टीम के साथ इस बार हुआ है न्यूजीलैंड में। लगता है कि आप लोगों को ज्ञान ज्यादा होगा, अब क्रिकेट का विकास हो रहा है, कई सारे नए नए स्टेट शामिल हो गए हैं, अब समय थोड़ा और हमें लगेगा ये दर्शाने में कि जहाँ जहाँ क्रिकेट बढ़ रहा है, कई सारे नॉर्थ ईस्ट स्टेट जुड़ गए हैं, वहाँ से किस प्रकार के खिलाड़ी निकल कर आ रहे हैं। पर सबसे बड़ी बात यह है कि आज के ज़माने में भारत में जो क्रिकेट हो रहा है वो छोटे छोटे जगहों में भी क्रिकेट हो रहा है, और सबसे बड़ी बात यह है कि छोटे जगहों से भी अब खिलाड़ी निकल कर आ रहे हैं, और ये मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा हार्टनिंग है भारतीय क्रिकेट के लिए। नहीं सर, परिवर्तन कुछ आया कि नहीं, मैं वो पूछ रहा था, जो थोड़ा सा भी परिवर्तन तो बहुत आया है, फ्रांसी हो गई है, कई सारे जो टेन्योर क्लॉज हैं उनके वजह से नए नए लोग अब हर एक संस्था में आए हैं, और न ही केवल बड़े बड़े स्टेट्स में पर छोटे छोटे स्टेट्स में भी नए ऑफिस बेयर्स आए हैं, उनकी सोच अलग है, वो बहुत कुछ नया लेकर आएंगे टेबल पर। मुझे लगता है कि पहली बार एक फॉर्मल लेजेंड जो है वो BCI के प्रेसिडेंट बने, सौरभ गांगुली, मुझे लगता है कि इसके पहले BCI के प्रेसिडेंट कोई इस प्रकार के खिलाड़ी बने होंगे, ये सबसे बड़ा चेंज है, और उनके लिए जितने सारे खिलाड़ी हैं वो उनके साथ हैं, अब आशा यही है कि वो बहुत कुछ लेकर जाएंगे भारतीय क्रिकेट को। ये फिटनेस